नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज। मैं राजकुमार कोरी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। खबर जनपद अमेठी के ग्राम सभा मई का है, जहां पर गुप्ताभूत सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई के PDNG कॉलेज में मेघावी छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में कई जिलों से लगभग 1000 लोग उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल अंजान भोजवाल MLC भाजपा काशी क्षेत्र के भाजपा उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता, हाई कोर्ट एडवोकेट प्रयागराज हरीश चंद्र गुप्ता, हमीरपुर से चलकर आए डॉक्टर स्वामी दीन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश गुप्ता, जिला और ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष व संरक्षक उपस्थित रहकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों ने हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए प्रशस्ति पत्र, मेडल, ट्रॉफी और कापी पेन बैग देकर सम्मानित किया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, और जोर दिया कि बच्चे बच्चियां पढ़ लिख करके परिवार समाज के साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे। आज आपके यहाँ का कार्यक्रम है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, किस बैनर तले किया जा रहा है? गुप्ता भूत सोशल वेलफेयर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश द्वारा आज सजातीय मेधावी छात्र और छात्राओं का कार्यक्रम PDNG कॉलेज मई अमेठी में रखा गया, जिसमें सभी सजातीय बंधु के बच्चे, छात्र छात्राएं, हमारे मुख्य अतिथिगण PDNG कॉलेज ग्राम सभा मई अमेठी में सजातीय बंधु का, मेधावी छात्र छात्राओं का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य सजातीय बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास, उनकी आर्थिक मदद करना और उनको उनके विषय में हम सभी, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री मल्लूराम जी, दूसरे संरक्षक हमारे श्री सत्यनारायण गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राम प्रकाश गुप्ता जी, हमारी पूरी गुप्ता भोज सोशल वेलफेयर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की कमेटी और सभी सजातीय बंधु, इनका एक ही उद्देश्य।